प्रिंट मैनेजमेंट। आप जानते हैं कि प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है। आप एक प्रिंटर की मदद से अपने कंप्यूटर में मौजूद फाइल्स के प्रिंट कागज पर ले सकते हैं। इन प्रिंटआउट्स को हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। प्रिंटर इस्तेमाल करने से पहले इसे इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉलेशन का मतलब है कि आप अपने प्रिंटर की केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट करें और वो ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स जो उसके इस्तेमाल के लिए चाहिए हैं इन्हें कंप्यूटर पर कॉपी कर लें। इंस्टॉलेशन की हदायत आपको प्रिंटर के साथ ही मिलती है। अगरचे ये हदायत बहुत आसान होती हैं, लेकिन आप मुश्किल पेश आने की सूरत में किसी से मदद भी ले सकते हैं। ऐसा भी होता है कि ज़्यादातर प्रिंटर्स के सॉफ्टवेयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही दिए गए होते हैं और प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते ही कंप्यूटर इसकी डिवाइस को डिटेक्ट कर लेता है और ख़ुद ही इंस्टॉल करके इस्तेमाल के लिए रेडी कर देता है। आइए अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर कैसे अटैच और इंस्टॉल करना है। प्रिंटर्स की बहुत सी इकसाम हैं और हम इन सब का इहाता नहीं कर सकते, लिहाजा अभी हम एक प्रिंटर को इंस्टॉल करना सीखते हैं। प्रिंटर की इंस्टॉलेशन को हम दो हिस्सों में डिस्कस करते हैं। पहले हिस्से में हम हार्डवेयर इंस्टॉलेशन देखेंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। हमारे पास इस वक्त एक USB प्रिंटर है। आप देख रहे हैं कि हमने उसकी पावर केबल को मेन पावर में लगा दिया है, लेकिन पावर बटन को ऑफ ही रखा है। इस प्रिंटर के साथ एक USB केबल भी है। ये देखिए, हमने इस केबल को कंप्यूटर और प्रिंटर की मुजवजा पोर्ट्स में लगा दिया है। अब हम पावर को ऑन करते हैं। आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर ने कुछ देर के बाद हमारे प्रिंटर को डिटेक्ट कर लिया है और उसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चूंकि विंडोज के अंदर इस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए ये इसको इंस्टॉल करने में नाकाम रहा है। आइए हम प्रिंटर के साथ आने वाली सॉफ्टवेयर CD को CD-ROM में डालते हैं। इसके बाद हम माय कंप्यूटर पर डबल क्लिक करते हैं। हम यहाँ से CD ड्राइव के आइकॉन पर डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। CD के अंदर मौजूद सेटअप की फाइल पर डबल क्लिक करें। कंप्यूटर इस वक्त कुछ फाइल्स कॉपी कर रहा है और थोड़ी देर में कंप्यूटर प्रिंटर को इंस्टॉल करने का काम मुकम्मल करने का मैसेज देता है। हम इस प्रिंटर को डिफॉल्ट प्रिंटर के तौर पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर की इंस्टॉलेशन के बाद आइए अब हम देखते हैं कि एक फाइल का प्रिंट कैसे लिया जाता है। इस वक्त हम अपनी बनाई हुई एक फाइल ओपन कर लेते हैं जो कि डेस्कटॉप पर मौजूद है। ये देखिए, फाइल हमारे सामने एक वर्ड प्रोसेसिंग में ओपन हो चुकी है। इस विंडो में हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं और फिर प्रिंट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई है जिसके ऊपर प्रिंट लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस दी गई हैं जिनके बारे में हम आने वाले लेसन्स में बात करेंगे। फिलहाल हम प्रिंट के बटन को प्रेस करते हैं। लीजिए, हमारी फाइल का प्रिंट आउट यानी हार्ड कॉपी तैयार है। ये मुमकिन है कि प्रिंट लेते वक्त कोई एरर या कोई खराबी पैदा हो जाए। ऐसी सूरत में आपको एरर मैसेज नजर आएगा। अभी आपने एक फाइल का प्रिंट लेना सीखा। आपने ये भी देखा कि आपके कंप्यूटर के साथ एक ही प्रिंटर अटैच था। ये मुमकिन है कि आपके कंप्यूटर के साथ एक से ज़ायद प्रिंटर मुंसलिक हों। यूनिवर्सिटी, कॉलेज या दफातर में अमूमन कई प्रिंटर्स मौजूद होते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि एक ऐसी एनवायरनमेंट में जहां कई प्रिंटर्स हों, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हम एक मर्तबा फिर वर्ड प्रोसेसर में इसी फाइल को ओपन कर लेते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल की थी। हम फाइल मेन्यू को ओपन करते हैं और इस मेन्यू में से प्रिंट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आपके सामने प्रिंट्स का डायलॉग बॉक्स है। अब अगर आप प्रिंट का बटन प्रेस करते हैं तो प्रिंट आउट उस प्रिंटर से निकलेगा
जो हमने अभी सिलेक्ट किया है। जब किसी फाइल की प्रिंटिंग हो रही होती है तो इस अमल को हम प्रिंटिंग जॉब कहते हैं। आप एक ही वक्त में कई फाइल्स का प्रिंट ले सकते हैं, लेकिन वो एक खास तरतीब से ही प्रिंट होगी, यानी जो फाइल आपने सबसे पहले भेजी थी वो सबसे पहले प्रिंट होगी। जब हम किसी फाइल का प्रिंट भेजते हैं तो इस प्रिंटिंग जॉब का स्टेटस चेक करने के लिए सिस्टम ट्रे में मौजूद इस एरो पर क्लिक करते हैं। हमें प्रिंटर का आइकॉन नजर आता है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। जब तक फाइल की प्रिंटिंग होगी, ये आइकॉन यहीं सिस्टम ट्रे में मौजूद रहेगा। हम देखना चाहते हैं कि इस वक्त कौन सी फाइल की प्रिंटिंग हो रही है। इसके लिए हम सिस्टम ट्रे में मौजूद प्रिंटिंग स्टेटस के आइकॉन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, लिस्ट में आपको फाइल नजर आ रही है जिसका प्रिंट लिया जा रहा है। इस सेशन की तकमील के साथ ही हमारे मॉड्यूल 2 का इख्तिताम होता है। आप किसी भी लेसन को दोबारा स्टार्ट करने के लिए इंडेक्स एरिया में इस पर क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम में मौजूद लेसन्स और हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस वगैरह से काफ़ी कुछ सीखा होगा। हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम आपको आसान अंदाज में वो तमाम बातें सिखा दें जो एक कंप्यूटर यूज़र को मालूम होनी चाहिए। अगर आपने उन लेसन्स और एक्सरसाइजेस को तवज्जो से मुकम्मल किया है तो हमें यकीन है कि आपको अपने कंप्यूटर के इस्तेमाल में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। VOCPL और इस सिलसिले के बाकी मॉड्यूल्स के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर नज़र आने वाली वेबसाइट और ईमेल एड्रेस पर राब्ता कर सकते हैं।